सो गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, मींस आप सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे कि ये देखो सी प्रोग्राम का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, मींस आप कोई भी प्रोग्राम लिख लो, ये तीन चार कोड्स आपके में होने ही चाहिए। तो बेसिकली तीन चार कोड्स को एक नाम दिया गया। ठीक है, तो वो नाम क्या है आप देखो यहाँ पे, ये देखो जो हैश इंक्लूड stdio.h है, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर। और ये देखो ये जो ग्रीन लाइन ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये है फंक्शन। ये पूरा जो बॉक्स है ना, इसको ब्लॉक बोला जाता है। मतलब इस ब्रेस से लेकर इस ब्रेस से, इसको ब्रैकेट नहीं बोला जाता है, इसको ब्रेस बोला जाता है प्रोग्रामिंग टर्म में। ठीक है ना, तो अगर आप प्रोग्रामिंग में आ गए हो तो ब्रैकेट बोलना भूल जाओ, ब्रेसेस बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका है फंक्शन। फंक्शन का देखो मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। और रिटर्न टाइप भी देखो उसका जीरो है। और जो बीच में आपका कोड है जो व्हाइट कलर से डिनोट है, इसको ये जो कोड होगा ये आपका कोड है। मीन्स आप जो भी कोड राइट करोगे, जो भी कोड लिखोगे, वो यहाँ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। ज़्यादा आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो सबसे पहले जो लाइन होती है वो होती है प्री प्रोसेसर की। या फिर ये याद रखो जो भी कोड हैश से स्टार्ट होता है वो होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोसेस होने से पहले ये प्रोसेस होता है। मीन्स आप सपोज आपने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड को आपने कंपाइल कराया, कंपाइल करा के आपने रन कराया, तो आपका प्रोग्राम आपको शो होने लगा। लेकिन जो प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइल होने में ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं गाइस। बेसिकली कंपाइलिंग फोर प्रोसेस में डिवाइडेड है। ठीक है ना, पहला प्रोसेस आपका होता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप जो भी फाइल को इम्पोर्ट करते हो, मैं आपको बताऊंगा ये इम्पोर्ट टर्म मैंने क्यों यूज किया। जो भी फाइल को आप इम्पोर्ट करते हो वो प्री प्रोसेसिंग में क्या होती है, आपका जो सोर्स कोड है उसमें आके अटैच हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्लॉक में आपने जो कोड यूज किया होगा, जो इनबिल्ट कोड होता है, जो जिसने प्रोग्राम लिखा होगा, जिसने सी प्रोग्राम बनाया होगा, उसने कुछ बेसिकली दो चार कमांड दो चार फंक्शंस को ऐसे ही बना दिया होगा कि कोई भी अगर बंदा सीखना चाहता है सी प्रोग्राम को तो बेसिकली जाके यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, पहले इम्पोर्ट करते हैं और फिर प्रिंटएफ फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप अपना अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो। तो गाइस अभी मैं कोड ब्लॉक्स को यूज करूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक, तो गाइस देखो कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जाना यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, आप लोग कंसोल एप्लीकेशन में जाना, गो कर देना, सी प्रोग्राम आपको करना है, फिर नेक्स्ट, और अपने प्रोजेक्ट का कोई टाइटल देना, लाइक मैं अपनी कर रहा हूँ टेस्ट वन, नेक्स्ट फिनिश, आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर आप मेन में जाओगे और ये देखो जो आपका बेसिक सी प्रोग्रामिंग का टेम्पलेट है यहाँ पे आ गया। तो देखो मैं आपको बता रहा था ना, जितना भी जो भी कोड है से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या है, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर, और ये जो आपका होता है मेन फंक्शन होता है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे वर्ड नहीं यूज है, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन में वर्ड यूज किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्ड यूज भी कर दो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करो, ऑप्शनल है। फिर ये देखो हम लोग जो भी कोड अपना लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अभी देखो इस पे मत जाओ, ये इंटीजर क्यों रहे हैं और ये रिटर्न यहाँ पे क्यों है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। फिलहाल बस अपने सी का बस मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे कोड लिखा है प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ। तो देखो मेरा प्रोग्राम रन करेगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे एरर कितना आ रहा है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप देखो अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूं ये प्री प्रोसेसर को और मैं ऐसे ही रन कर रहा हूं, तो हमारा प्रोग्राम अभी भी रन करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ एरर्स आएंगे, कुछ वार्निंग भी आ सकता है। देखो क्यों, मैं कंपाइल रन कराता हूं, तो देखो रन तो कर गया, लेकिन अभी यहां देखो यहां पे आप आओगे तो देखो लिखा है ना प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस जीरो। एरर तो नहीं है लेकिन वार्निंग आ गया यहां पे, क्यों आया है। और अगर आप ऊपर जाओगे तो देखो वार्निंग के बारे में बताएगा, ये देखो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ, क्यों। फिर नीचे पढ़ोगे यहाँ पे नोट इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ अपने मन से खुद से प्रिंट एफ, ठीक, तो ये प्रोग्राम अभी एरर नहीं देगा। ठीक है, एरर नहीं देगा। अब देखो अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, अभी भी ये एरर देगा, लेकिन ये देखो ये एक्चुअल में प्रिंट है फंक्शन नहीं है। अब मैं फिर से कंपाइल कराता हूँ तो ये देखो फिर से वार्निंग दे रहा है अब, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद से अपना एक प्रिंट है फंक्शन बनाया जो कि गलत है।
तो अभी इसको हटा दो, अभी ये सब मत समझो आप लोग, सिर्फ इतना समझो कि प्री प्रोसेसिंग आपने stdio.h फाइल को आपने इंपोर्ट नहीं किया, इसीलिए आपका देखिए वार्निंग यहाँ पे शो हो रहा है। और वार्निंग में देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि नोट इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड अ फंक्शन, अपना खुद का फंक्शन दो या फिर यहाँ पे stdio.h को इम्पोर्ट करो। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर से मैं कंपाइल एंड रन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे वार्निंग क्या हुआ, हट गया, और प्रोग्राम क्या हुआ, सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर गया। सो गाइस, इस वीडियो का मेरा सबसे पहला मकसद आपको ये था कि आपको प्री प्रोसेसिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि प्री प्रोसेसिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, अगर आप प्री प्रोसेसिंग को आप को यूज़ नहीं करते हो, प्री प्रोसेसर को आप यूज़ नहीं करते हो, तो क्या क्या हो सकते हैं आपने इस वीडियो में देख लिया। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ गाइस, अगर आपको आपने गलती से आपका टैब क्या हुआ क्लोज हो गया है, कई लोगों में अगर ये टैब शो नहीं करता है, ठीक है, तो आप कैसे जानोगे कि क्या वार्निंग क्रिएट हुआ, क्या एरर क्रिएट हुआ। तो उसको लाने के लिए कोड ब्लॉक्स में क्या होता है, आप व्यू में जाओगे ना, व्यू में जाने के बाद लॉक्स में जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे होता है गाइस आपका प्रोग्राम। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपाइलिंग क्या होता है और कंपाइलिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, कैसे आपका सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो बेसिकली, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।